हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिफ्थ क्लास का हिंदी पढ़ेंगे पार्ट टू। इसका नाम पाठ का नाम है ईदगाह। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। जैसे भारत ऐसा देश है, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और अपना त्यौहार अलग अलग धर्मों से अपना मनाते हैं, उसी में से एक ईद है। इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने बाल मनोदशा का वर्णन किया है। रमजान 30 दिन के बाद रमजान का त्यौहार आता है, यानी ईद आता है। उसमें गांव में चहल पहल हो रही है, बच्चे मेला जाने के लिए सभी खुश हैं। और उसमें से एक बच्चा है हामिद, उनके मम्मी पापा नहीं है, उसकी दादी माँ है, दादी माँ के पास रहता है। वो भी खुश था मेला जाने के लिए, लेकिन अमीना बहुत गरीब औरत है, वो सोचती है कि हामिद मेला कैसे जाएगा, मैंने ये तो इतना छोटा है, इसके पाँव में ना चप्पल है ना इसके शरीर पर वस्त्र है अच्छे से, लेकिन फिर भी वो खुश है मेला जाने के लिए। सभी बच्चे मेला जाते हैं, वो भी जाता है। मेले में मिठाई की दुकान आती है, सब बच्चे मिठाई खरीदते हैं, खाते हैं। उसके पास तो 3 पैसे वो नहीं खरीदता है, सब बच्चे बोलते हैं लेने के लिए, वो नहीं लेता है। खिलौने बच्चे खरीदते हैं, उनको भी बोलते हैं कि कुछ ले लो, वो नहीं लेता है। इसके बाद लोहे लकड़ी की दुकान आती है, तो उसको जब तक याद आ जाता है कि जब मेरी दादी रोटी बनाती है तो तवे से उतारते समय रोटियाँ उंगली जल जाती है, वो एक चिमटा खरीदता है और सोचता है कि मैं चिमटा लेकर घर जाऊँगा तो मेरी दादी बहुत खुश होगी, बोलेगी कि कितना अच्छा लड़का है चिमटा लाया, गाँव में मेरी चर्चा होगी कि कितना अच्छा लड़का है, बड़ों को ख्याल रखता है, बहुत सारी दुआएं देगी मेरी दादी माँ। सब जब मेला घूमकर सब बच्चे रास्ते में आते हैं तो बच्चे उनको चिढ़ाते हैं कि पागल लड़का है चिमटा खरीदा है, इसका क्या करेगा, देखो तो मेरा खिलौना कितना सुंदर है। वो सबको जवाब देता है और वह अपने उनके खिलौनों से अपना सर्वश्रेष्ठ चिमटा को बताता है। जब घर आता है तो उसकी अमीना को उनके ऊपर ध्यान जाता है, तो अपने दौड़ी हुई आती है, हामिद को गोद में उठाती है और जब उसका ध्यान जाता है अमीना को उसके हाथ के तरफ, तो देखती है कि चिमटा हाथ में लिया है, तो उससे पूछती है कि तूने ये चिमटा कहाँ से लिया, तो बोला कि मैंने मोल लिया है। तो कितने पैसा का है, तो 3 पैसे का है। तो गुस्सा हो जाती है कि तुमने पगले कहीं का, तुमने खाया पिया कुछ नहीं, दोपहर है हो गया, ये चिमटा लाया है। तो वो अपराध भाव से बोलता है कि दादी माँ जब आप रोटियाँ बनाती है तो आपका उंगली जल जाता है, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। उसका क्रोध स्नेह में बदल जाता है और अब बच्चे को बहुत सारा दुआ देती है, थैंक यू बच्चों, बड़ों को बात मानना चाहिए और उनकी ख्याल रखनी चाहिए।